अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम हियर साइकोलॉजिस्ट हिफ्सा मुनीर। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स हीलिंग माइंडसेट हब। सो सब्सक्राइब इट फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑफ साइकोलॉजी। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से फोबियाज को डील करते हैं, किसी को वाटर से रिलेटेड फोबिया होता है, तो किसी को हाइट से रिलेटेड, और किसी को क्लोज्ड स्पेसेस से रिलेटेड, और किसी को एनिमल से रिलेटेड। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आप जब बाहर जाते हैं, आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े व्हीकल्स लाइक ट्रक्स और माउंटेंस, या बहुत बड़ी बड़ी प्लेसेस देखकर आपको खौफ आता हो, उनसे डर महसूस होता हो? तो यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आप भी इस फोबिया को डील करते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ लार्ज बिल्डिंग और अ लार्ज शिप, और इट कैन बी अ लार्ज ब्रिज एंड एनी अदर प्लेसेस दैट मेक्स यू वेरी एंग्शियस अबाउट इट। So if you experience intense fear or anxiety by seeing large objects, it is called megalophobia, a phobia of large objects or places. So if you have megalophobia, there are a lot of symptoms that you may face. For example, intense difficulty in breathing, sweating, shaking, feeling dizzy, fast heartbeat, upset stomach and nausea. बहुत से symptoms हम लोग face कर सकते हैं, but ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ये सारे symptoms face करे। इनमें से चंद symptoms भी हो सकते हैं। बट इफ़ यू फील डैट आप जब बाहर जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंगजाइटी नहीं होती है, आपको ये सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, एंड इट जस्ट मेक यू लिटिल बिट एंग्शियस, सो इट इज़ नॉट फोबिया, इट इज़ जस्ट अ फियर एंड इट इज़ नेचुरल। बट जो लोग स्फेरिटी के साथ होते हैं, उन लोगों को बाहर जाने में डर लगता है, वो अवॉइड करते हैं कि वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को फेस ना करें। अगर वो बाहर निकलेंगे, उनको लार्ज ऑब्जेक्ट्स को फेस करना पड़ेगा, तो उनको ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं डैट कैन मेक देम एंग्शियस। But it is very important to understand that fear itself is a natural thing, and for some circumstances it is very important for us. But if you feel that all these symptoms are affecting your functional life, so you should consult a psychologist who can help you to reduce this phobia and make your life better. So that's it. It will be very grateful if you share your experience with megalophobia. So thank you so much. Thanks for watching my channel, and take care of yourself, take care of your family. Allah Hafiz.